हवाई जहाज की सवारी करना हम सबको पसंद है। बचपन से जब भी आसमान में प्लेन जाता था, हमारी नजरें उसका पीछा कर प्लेन को दूर तक छोड़ कर आती थी। फिर उसके धुएं से बनी डिजाइन में आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के उड़ कैसे जाता है, लेकिन बड़े होते होते हमारे दिमाग में यह बात जरूर आई होगी। एरोप्लेन कैसे उड़ता है यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप भी बन सकते हैं इसके एक्सपर्ट। इसके लिए हमें चार शब्द याद रखने होंगे, पहला थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट, चौथा लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एरोप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे हम गुब्बारे में हवा भर उसे छोड़ दे तो वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है यह इंजन। विंग पर लगे इंजन में पांच महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। पहला फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर प्लेन में भेजा जा सकता है। दरअसल हवा दो रास्तों से होकर जाती है, या तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इसमें भी थ्रस्ट पैदा होता है और यह इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपासियर मदद करती है। नंबर टू, कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। नंबर थ्री, कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहाँ उसके तेल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर फोर, टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरनी है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। नंबर फाइव, मिक्सर नोजल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहाँ आती है, जैसे कि हवा नोजल से बाहर निकलती है न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। इसके बाद आता है ड्रैग या घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया यह फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलने लगता है, लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज़्यादा है और हाथ भी मजबूत है इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि यह कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए कार की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे में घर्षण बल इतना ज़्यादा होगा कि या तो आपका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इसी लॉ के अनुसार धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्ट्रॉइड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज़्यादा होता है। एरोप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन के उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज़्यादा हो। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट की। जानते हैं कि यह दो फोर्स कहाँ से आती है। हम यह बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज़ का अपना एक भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स या लिफ्ट बल लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव में कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज़्यादा हो जाता है इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। अब थोड़ी सी इस बात पर भी ध्यान दें, जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती है तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है। जब गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल ज़्यादा होता है तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।